हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास में एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम म्यूटेशन है। और इस टॉपिक को हम लोग इम्पोर्टेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। अब यहाँ पे हम लोग वो जानेंगे कि किस तरह से नए क्वालिटी जीन के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर नए क्वालिटी कैसे डेवलपमेंट होती है, अर्थात कि नई क्वालिटी किसी भी आपके जीव के अंदर, अर्थात जीन में परिवर्तन, डीएनए के खंड में परिवर्तन, उसके एमिनो एसिड्स में परिवर्तन, इन सभी परिवर्तनों के आधार पर किस तरह से म्यूटेशन की क्रिया होती है, अर्थात कि नए क्वालिटी डेवलप कैसे होता है, इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए इस टॉपिक में, अर्थात कि म्यूटेशन वाले टॉपिक। इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन शब्द से ही आपके वर्ड कोड देखिए, उत्परिवर्तन का मतलब क्या? उत्पत्ति में परिवर्तन हो जाए। उत्पत्ति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, अर्थात नया जो जीव बनेगा उनकी उत्पत्ति के साथ उनमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहते हैं। अर्थात कि उत्पत्ति में हम लोग अगर परिवर्तन करते हैं तो वह आपका म्यूटेशन के नाम से जाना जाएगा। अब उत्पत्ति के समय परिवर्तन कैसे होगा? तो उत्पत्ति मान लीजिए कि कोई पौधा है, कोई जीव है। अब जीव के अंदर हमें नए क्वालिटी अगर लाने हैं तो कन्फर्म है कि जीव के अंदर जो क्वालिटी पाया जाएगा वह कोशिका में पाया जाता है। क्वालिटी कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। और कोशिका के अंदर अगर बात करेंगे तो कोशिका के अंदर कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अगर केंद्रक के अंदर अगर बात करेंगे तो कहां पाया जाता है? क्रोमैटिन जाल में। क्रोमैटिन जाल के अंदर गुण पाया जाएगा। क्रोमैटिन जाल के अंदर अगर बात करें तो यह गुण कहां पाया जाएगा? क्रोमोसोम में, अर्थात कि गुण सूत्र में पाया जाएगा, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम्स के अंदर अगर बात करें तो यह क्वालिटी कहाँ पाई जाएगी? यह डीएनए में पाई जाएगी। अगर हम डीएनए में बात की जाए तो डीएनए के अंदर जीन में पाया जाएगा, और जीन का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स है उनके अंदर पाया जाएगा। तो समझिए कि इतनी गहराई के अंदर क्या होते हैं कि हमारी जो क्वालिटी होती है, हमारे जो पूर्वजों के गुण होते हैं, हमारी पीढ़ी के जो गुण होते हैं, उन पीढ़ी के गुण जो होते हैं इनमें पाया जाता है। तो इतना अंदर जाके उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी युग्मनज बनता है, ठीक है, अर्थात कि मेल का आपका गैमेट, मेल का गैमेट का मतलब युग्मक, मेल युग्मक अर्थात कि गैमेट, और फीमेल का गैमेट, जब दोनों मिलता है तो अपने यह जाइगोट बनाता है, अर्थात कि युग्मनज। और यह युग्मनज किस कंडीशन में रहता है? कोशिका के कंडीशन में रहता है। तो इस कोशिका के कंडीशन में रहने का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा कि इस कोशिका के अंदर जाना पड़ेगा। कोशिका के अंदर कहां जाना पड़ेगा? केंद्रक में। केंद्रक के अंदर कहां? क्रोमैटिन जाल में। उसमें क्रोमोसोम, उसमें डीएनए, और डीएनए के खंड में जाएंगे जीन में, और उसमें जब परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन के बाद किसी जीव के अंदर नए गुण निकल के आएंगे। तो समझ सकते यह जो परिवर्तन होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा, इसी परिवर्तन को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें परिवर्तन करें और परिवर्तन के बाद जो नया जीव की उत्पत्ति होगी और उनमें उत्पत्ति होने के बाद वो परिवर्तन जो दिखाई पड़ेगा उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोगों को? अर्थात क्या कि जीवों के अंदर अगर देखा जाए तो परिवर्तन दो तरह के होंगे। कितने तरह के परिवर्तन होंगे? परिवर्तन मुख्य रूप से दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है क्या कि हम इतना प्रोसेस से जाए पूरी जीन में चेंजेज करें, तो यह हो गया आपका जीनोटाइप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन हो गया? जीनोटाइप में। और एक परिवर्तन और होता है जिसे हम लोग कहते हैं फेनोटाइप में परिवर्तन। किसमें कहते हैं? फेनोटाइप में परिवर्तन। तो फेनोटाइप के परिवर्तन के बारे में हमने बताया था कि सिर्फ अगर फेनोटाइप में हमें परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन क्या होगा? इन्वायरमेंट के चेंज से भी मिल जाएगा हमें। इन्वायरमेंट में चेंज कर दें, अर्थात कि वातावरण, पर्यावरण में चेंज कर दें। अब मैंने इसका केस दिया था कि आपका
इंडिया का रहने वाला बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी, बिल्कुल काला लड़का, ठीक है, उसको ले जाकर इंग्लैंड में छोड़ दिया गया 10 सालों तक, 20 सालों तक, 50 सालों तक। वहां का जलवायु बिल्कुल ठंड, यहाँ पे बेचारे बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी दिन भर धूप में एकदम टंडेली की तरह घूमते रहते थे। अब इंग्लैंड में गया, इंग्लैंड में बिल्कुल एसी, बिल्कुल यहाँ पे पहाड़, बिल्कुल ठंडक वाला मौसम। अमेरिका में गया, बिल्कुल रिलैक्स फील किया, वहां पर टेम्परेचर कम मिली, वहां पर सूर्य की प्रकाश की रोशनी कम आई। उस कंडीशन में क्या हो गया कि उनका बॉडी का जो हो गया, आपका शाइनिंग जो हो गया वो चेंज हो गया, आपका जो आपका सनलाइट की वजह से बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहते हैं वो इफेक्ट चेंज हो गया। तो वह कंडीशन आपका क्या होता है कि फेनोटाइप में लुक चेंज हो गया उनका। अब लुक चेंज होने का मतलब क्या हो गया, वहां से जब आया तो लोग पहचान ही रहे, अरे भाई साहब यही कालिया है क्या, इतना सुंदर, इतना गोरा, इतना स्मार्ट दिख रहा है। अब भाई कालिया के मन में भी हुआ, ब्लैक ब्यूटी वाले के मन में, कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम अजय देवगन के दूसरा रूप हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास स्मार्ट लग रहे हैं आप। तो कंडीशन क्या हुआ कि फेनोटाइप में चेंजेस कैसे हुआ, वो तो इन्वायरमेंट में बदलाव हुआ। तो इन्वायरमेंट में जब जब बदलाव होगा तो वह कंडीशन फेनोटाइप में चेंजेस देगा, लेकिन जब इसके जेनोटाइप में चेंजेस करना पड़ेगा तब तो गहराई में जाना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा अंदर। तो उसके लिए क्या जाना पड़ेगा, कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक से जाल में, जाल से क्रोमोसोम में, फिर डीएनए जीन होते हुए तब इसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन दो तरह के, एक फेनोटाइपिकल परिवर्तन जो इन्वायरमेंट में बदलाव के कारण, और दूसरा जेनोटाइपिकल परिवर्तन जो कि म्यूटेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो करने का मतलब क्या है कि अब क्या है कि इनके अंदर भी परिवर्तन, अगर जेनोटाइपिकल देखिएगा तो जेनोटाइपिकल भी दो तरह के होंगे, जेनोटाइपिकल के अंदर भी दो तरह के होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक होता है आपका काई कोशिका, मैंने बताया था आपको कि जीन के अंदर, सॉरी आपकी कोशिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक होती है काई कोशिका और दूसरी कौन होती है, जनन कोशिका। एक काई कोशिका और जनन कोशिका। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है और इस लड़के का उम्र 10 साल, लड़के का उम्र कितना जी, 10 साल। अब 10 साल का उम्र है, इन 10 साल के उम्र में अगर हम क्या करें, इनके जीन में परिवर्तन करते, इसके जीन में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, तो यह लड़का में क्या हो जाएगा, कोई क्वालिटी जो होगा वह बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसकी लेंथ, लंबाई नहीं बढ़ रही थी, बिल्कुल बौना आकार का था, मैंने हो सकता है से अधिक वो बौना था, ठीक है। अब बौने कंडीशन में हमने जीन परिवर्तन किया और लंबाई वाला को एक्टिवेट कर दिया, इनके वजह से इसकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने इनके जीन में परिवर्तन किया, अर्थात इनके जीन को म्यूटेशन किया और इनकी लंबाई बढ़ गई, लेकिन के सोचने वाली बात आती है कि सिर्फ हमने इनकी काई कोशिका जिससे शरीर बना है, अर्थात कि पूरे शरीर की कोशिका है, उन कोशिकाओं में परिवर्तन करके हमने लंबाई बढ़ा दिया, तो यह लंबाई बढ़ने के बाद क्या ऐसा होगा कि जो इसका नया बच्चा जन्म लेगा, क्या नया बच्चा या नया संतति इस लड़के से जो जन्म लेगा, क्या वह लड़का लंबा होगा या नहीं होगा, यह सोचने वाली बात है। तो कहता है कि जब हमने सिर्फ काई कोशिका में परिवर्तन किया, मतलब कि एक जीव के शरीर की कोशिका में सिर्फ परिवर्तन किया, तो जब शरीर की कोशिका में परिवर्तन करेंगे तो उसके अंदर जो जीन के अंदर उत्परिवर्तन होगा, वह जो लंबाई बढ़ेगा वह सिर्फ उतने ही दिनों तक उसके अंदर रहेगा जितना दिन तक उसके परिवर्तन का प्रभाव रहेगा। मतलब क्या कि यह जो आपका लड़का 10 साल वाला था, यह लड़का 50 साल तक जिएगा चाहे 60 साल तक जिएगा, तो यह 60 साल तक ही इनके अंदर यह परिवर्तन आपको दिखाई देगा, लेकिन यह अगली पीढ़ी में जाने की बात हुआ, नया बच्चा जो होगा उसमें यह क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या, म्यूटेशन अगर सिर्फ कायिक कोशिका के अंदर हो तो एक जीव के अंदर वह म्यूटेशन, वह उत्परिवर्तन सिर्फ एक जीवन भर तक ही दिखाई पड़ेगा, यानी जब तक वह जीवित रहेगा तब तक यह क्वालिटी दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके आने वाले अगले पीढ़ी में यह क्वालिटी जो होगी, यह जो गुण होगी, वह दिखाई देने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कि जितना दिन तक यह रहेगा जिंदा, सिर्फ उतना ही दिन तक इसके अंदर वो क्वालिटी दिखेगी। अगर क्या कर दिया जाए, ठीक इसके उल्टा, अगर इसके जनन कोशिका में परिवर्तन किया जाए,
तो जनन कोशिका में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, लड़का है तो इसके स्पर्म वाले कोशिका में हमने चेंजेस कर दिया, और लड़की है तो इसके एग वाले में चेंजेस हमने कर दिया। अब इस स्पर्म की वजह से, इस एग की वजह से जो नया जीव बनेगा उसमें आपका नया क्वालिटी आएगा, नया गुण आएगा, और जो नया गुण आएगा फिर अगली पीढ़ी में जाएगा तो उसके अंदर भी नया गुण आएगा। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर जनन कोशिका में अगर आपने म्यूटेशन कराया, जनन की कोशिकाओं में अगर परिवर्तन किया, जीन में उसके डीएनए के खंड के अंदर अगर परिवर्तन किया, तो वह सिर्फ 50 से 60 साल तक ही नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह क्वालिटी जो होगी आगे बढ़ती जाएगी। तो यह कंडीशन आपका क्या होगा, म्यूटेशन का कंडीशन दो तरह का होगा, एक काइक वाला और एक क्या होगा आपका जनन कोशिका वाला। क्लियर है यहां तक सब किसी को? अब म्यूटेशन के जेनोटाइप और फेनोटाइप का कंडीशन तो पहले ही छाप दिया। अब जेनोटाइप में काइक और जनन कर लिया, तो काई का तो कंडीशन एक जीवन तक ही है, तो काई कोशिका के बारे में परिवर्तन करके हम लोग ना देखेंगे। मान लीजिए कि कोई क्रीम पाउडर लगा है और लगाने के बाद सिर पर रात भर के लिए गोरे हुए, और रात भर में जब सवेरे आप मुंह धोए तो सामने वाला डे के बेचारा डर जाए, इतना ज्यादा आपका भयावह आपका नजर है। तो उस कंडीशन में तो जो भी आपका मान लीजिए कि संबंध बना हुआ है सब में बिगाड़ हो जाएगा। सामने वाला तो बिल्कुल गोरा गोरा आपको देख कर आपसे शादी कर लिया, सवेरे जब मुंह धोए तो मालूम चला कि बस सारा फेशियल क्रीम पाउडर का प्रभाव खत्म, कले से संबंध पीछे शुरू हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम हम काहे लेंगे, हम ऐसा परिवर्तन क्यों ना करें कि भाई जीवन भर हम गोरे रहे, हमारा बच्चा अगला जनरेशन होगा वो एकदम व्हाइट ब्यूटी जैसा एकदम पैदा होगा। तो कंडीशन वो परिवर्तन करने की ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से हमें काई कोशिका में म्यूटेशन को ज्यादा डीप नहीं जानना है, हमें ज्यादा जानना है डीप जनन कोशिकाओं के अंदर जो म्यूटेशन की क्रिया है उन कोशिकाओं के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से अपने अगले पीढ़ी को भी इस प्रभाव के अनुसार नए परिवर्तन वाले जीव को पैदा कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम बजानेंगे कि जनन कोशिकाओं के अंदर म्यूटेशन कैसे होता है। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि म्यूटेशन जो होगा वह कितने तरह का हो सकता है। म्यूटेशन तो समझ में आ गया कि जो उत्पत्ति के समय हम कोई परिवर्तन करते हैं अर्थात कि नई क्वालिटी का आगाज करते हैं, तो आगाज करने का तरीका हमने बता दिया कि इसके अंदर जीन में चेंजेज करना। अब जीन में चेंज करने के लिए समझ जाइए कि कितने स्टेजेज क्रॉस करके आपको जाने पड़ेंगे। अब बात आती है कि यह जो म्यूटेशन होगा वह कितने तरह के हो सकता है या कितने प्रकार के म्यूटेशन इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर हम लोग पहला जानेंगे म्यूटेशन के अंदर कि म्यूटेशन आपका एक होता है बृहत वाला, बृहत उत्परिवर्तन या बृहत म्यूटेशन। दिख रहा है सबको? वृहत म्यूटेशन। तो वृहत म्यूटेशन के अंदर क्या दिखेगा हमको कि इसके अंदर दोनों क्वालिटी दिखेगा, एक तो फेनोटाइप में बदलाव, फेनोटाइप में बदलाव, आप प्लस में जीनोटाइप में बदलाव, जीनोटाइप में बदलाव। बताइए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अर्थात कि क्या पहला कंडीशन है बृहत वाला, तो बृहत वाला में क्या दिखेगा कि फिनोटाइप में भी बदलाव दिखेगा और जीनोटाइप में बदलाव दिखेगा, मतलब कि उसके जीन में भी परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाहरी रूप में भी देखने में भी अलग लुक हो जाएगा। अर्थात कि वह जीन में तो परिवर्तन हो गया गोरा वाला, अब लड़का भी देखने में गोरा लग रहा है, तो यही ना चाहिए जी? ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों हो जाएगा। तो बताइए अगर लड़की को ये वाला क्वालिटी अगर मिल जाए तो उतना क्रीम पाउडर और फेशियल का पैसा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बचेगा। तो कंडीशन सेम है उसके अंदर, ठीक है। तो क्रीम पाउडर का पैसा बचाने से अच्छा क्या है कि म्यूटेशन करा लीजिए, कलर भी चेंजेज हो जाएगा और साथ के साथ क्या हो जाएगा जी, और आने वाली पीढ़ी जो आपका बच्चा जन्म लेगा वो भी बेचारे स्मार्ट स्मार्ट पैदा होंगे, ठीक है। तो ये बात है कि जिसके अंदर फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों में चेंजेज हो जाए तो बृहत आपका म्यूटेशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा आपका सूक्ष्म म्यूटेशन। तो सूक्ष्म म्यूटेशन में क्या होगा भाई, तो सूक्ष्म म्यूटेशन के अंदर कह रहा है कि हम जीनोटाइप में तो परिवर्तन कर देंगे लेकिन फेनोटाइप बच जाएगा। तो कंडीशन इसमें क्या होगा कि इसके अंदर हमें सिर्फ जीनोटाइप के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जबकि फेनोटाइप में बाहरी रूप में प्रभाव में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशन दो हो गए, एक हो गया बृहत, बृहत का मतलब फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में परिवर्तन, सूक्ष्म वाले में कौन सा परिवर्तन, सिर्फ जेनोटाइप में परिवर्तन।
एक होता है कंडीशन अग्र परिवर्तन, तीसरा क्या होता है कि अग्र म्यूटेशन, यानी अग्र यू परिवर्तन क्या कहते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है, अग्र म्यूटेशन। तो अग्र म्यूटेशन मतलब क्या कि वह आगे वाला क्वालिटी डेवलप कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है और पौधा मान लीजिए कि रंगीन है, रंगीन इसका फूल जो बन रहा है कैसा बन रहा है रंगीन, तो रंगीन से पौधा का पुष्प कैसा बन जाए उजला बन जाए, तो कलर इसके पास सब है, सब कलर हट जाए तो उजला बन जाए, तो यह कंडीशन क्या हो जाएगा, यह कहलाएगा अग्र म्यूटेशन, मतलब कि अगली क्वालिटी इसमें डेवलप हो जाए। तो यह हो गया अग्र म्यूटेशन। एक ठीक इसी का उल्टा होता है, एक ठीक चौथा क्वालिटी इसका उल्टा होता है, क्या होता है, यह होता है कि प्रतिलोम, प्रतिलोम म्यूटेशन, प्रतिलोम म्यूटेशन। प्रतिलोम का मतलब समझते हैं आप, प्रतिलोम का मतलब समझते हैं आप लोग, प्रतिलोम का मतलब होता है कि उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो उल्टा म्यूटेशन। तो उल्टा म्यूटेशन कैसे होगा, जैसे आप देखिए रंगीन से उजला बन गया था, तो सब कलर है तो सब कलर एक साथ अगर मिल जाए, सात रंग है और सातों रंग जब एक साथ मिल जाए तो उजाला बन जाए, जैसे सनलाइट है सूर्य की प्रकाश, सातों रंग एक साथ मैच कर गया सूर्य का प्रकाश बन गया, उसी कंडीशन में। लेकिन इसका उल्टा कोई कहते हैं, उल्टा क्या कहते हैं कि उजला है आपका और उजला से पौधा कैसा बन जाए रंगीन पौधा बन जाए, रंगीन पौधा बन जाए, तो यह कंडीशन आपका क्या कहलाता है प्रतिलोम म्यूटेशन, क्या कहलाता है प्रतिलोम म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कितने प्रकार के हम लोग जान लिए, म्यूटेशन कुल चार प्रकार के हम लोगों ने जाना। एक होता है वृहत म्यूटेशन, जिनके अंदर फेनोटाइप भी चेंजेज हो और जेनोटाइप भी चेंजेज हो, अर्थात कि जब दोनों परिवर्तन एक साथ होगा तो वृहत म्यूटेशन, और जब एक ही परिवर्तन हो तो जेनोटाइप म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन का मतलब होता है कि रंगीन हो उजाला हो जाए, मतलब क्या अगला कोई चेंजेज आ जाए, एक साथ क्वालिटियों को मिलाकर एक नया क्वालिटी डेवलपमेंट हो जाए, तो नई क्वालिटी जब डेवलपमेंट होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अगर म्यूटेशन, और उसका प्रतिलोम मतलब उल्टा म्यूटेशन। तो उल्टा म्यूटेशन में क्या हो जाएगा, उल्टा म्यूटेशन में क्या होगा कि जो आपका एक साथ जो युग्म में जो क्वालिटी एक साथ मिले हुए थे उन क्वालिटी का क्या कर दिया हम बिखराव कर दे, अलग अलग रूप कर दे, तो वह म्यूटेशन हमारा क्या कहलाता है प्रतिलोम या उल्टा म्यूटेशन कहलाता है। क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोगों ने टोटल कितने म्यूटेशन जान लिए, चार टाइप के म्यूटेशन हम लोगों ने जान लिया। क्लियर है आप लोगों को। अब ये चार तरह के म्यूटेशन जान लिए, तो अब हमें क्या बात आती है कि म्यूटेशन अब किस किस तरह से करेंगे, म्यूटेशन के प्रकार जान लिए, अब म्यूटेशन होता कैसे है। जैसे मैंने बताया कि इस फॉर्म में ये जाकर हमें डीएनए में और जीन में परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में म्यूटेशन होता कैसे है या कितने तरह से म्यूटेशन हम इस क्रिया को कर सकते हैं, इसी क्रिया को जानने के अब म्यूटेशन के तरीके जानेंगे कि कितने तरीके से म्यूटेशन हम कर सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, म्यूटेशन की घटना समझ में आ गई होगी। चलिए समझ में आ गई, तो म्यूटेशन की क्रिया को समझ लेते हैं कि कैसे होगा म्यूटेशन, अर्थात कि नया क्वालिटी आएगा कैसे। इस नए क्वालिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए तो नए म्यूटेशन की क्वालिटी की बात करेंगे, तो म्यूटेशन दो तरह के होते हैं, दो तरीके से म्यूटेशन हो सकता है। एक तो मान लीजिए कि क्रोमोसोम में बदलाव कर दीजिए, एक किसमें बदलाव कर दीजिए क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स का मतलब समझते हैं आप, क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि गुण सूत्र में परिवर्तन कर दे, किसमें परिवर्तन कर दे गुण सूत्र में, क्या कर दे परिवर्तन कर दे। तो इस गुण सूत्र में परिवर्तन करने के बाद भी म्यूटेशन हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन है कि आप क्या कर दीजिए कि उसके जीन में डायरेक्ट जाके परिवर्तन कर दीजिए, किसमें परिवर्तन कर दीजिए जीन के अंदर। बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने स्टेजेस बताया था कि आपका कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या आपका केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या आपका केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल है, क्रोमैटिन जाल के अंदर क्या आपका क्रोमैटिन जाल के अंदर क्रोमोसोम्स है,
क्रोमोसोम है, आप क्रोमोसोम के अंदर क्या आपका डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या आपका जीन है। तो इतनी गहराई वाली बातें हैं। तो कह रहा है कि आप दो स्टेजेज में इसको कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसी स्टेज में पहला कर दीजिए, क्रोमोसोम में परिवर्तन कर दीजिए, जब यही बदल जाएगा तो नीचे वाला सारा मैटर बदल जाएगा। तो पहला कंडीशन है कि डायरेक्ट आप क्रोमोसोम में परिवर्तन कर दें, या दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आप क्रोमोसोम में दिक्कत है तो आप जीन में परिवर्तन कर लीजिए। तो दो कंडीशन है कि क्रोमोसोम में परिवर्तन करके और जीन में परिवर्तन करके। ज्यादातर क्या होता है कि क्रोमोसोम में परिवर्तन करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये बड़े स्तर पे है, मान लीजिए कि बड़े स्तर पर परिवर्तन करना आसान है। अब जब अंदर उसकी गहराई में जाके जीन के उसके कोडिंग को डिकोड करना आपका, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो डीएनए का खंड बनेगा वह उसके अंदर कोड होंगे। कोड होने का मतलब क्या, जैसे एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये सभी कोड के रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, तो ये ग्रुप के रूप में रहते हैं। इस रूप में आपका रहते हैं जी टी सी ए, इस रूप में आपके रहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपको ये कोड को डिकोड करना थोड़ा टफ हो जाएगा ना जी। तो उस कंडीशन में आपका जीन में परिवर्तन थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि हम दोनों तरीके से चाहे तो म्यूटेशन कर सकते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन करेंगे तो क्रोमोसोम के म्यूटेशन के अंदर भी हम दो तरह के कर सकते हैं। कैसे, एक तो कर सकते हैं कि हम क्रोमोसोम की संख्या में चेंजेस करते हैं। पहला केस क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या बदल दे, हम संख्या में परिवर्तन कर दे। और दूसरा क्या कंडीशन कर सकते हैं कि हम क्रोमोसोम की संरचना बदल दे, क्रोमोसोम्स की क्या कर दे, संरचना ही बदल दे, अर्थात कि उसका आकार आकृति बदल दे। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोग को, अर्थात क्या म्यूटेशन को दो कंडीशन में हम कर सकते हैं, अर्थात कि क्रोमोसोम में परिवर्तन कर दे, यानी इसी स्टेज में उड़ा दे क्रोमोसोम को, वो कर सकते हैं, यानी तो फिर जीन में जाके बदलाव करेंगे। अब अगर मान लीजिए क्रोमोसोम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनके भी दो तरीके हैं, या तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा दीजिए या क्रोमोसोम की संख्या घटा दीजिए तो परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद क्या नहीं तो क्रोमोसोम की संरचना बदल दीजिए, लंबवत है आपका लंब आकार का है, आपका बेलनाकार का है तो उसे चतुर्भुजाकार कर दीजिए, त्रिभुजाकार कर दीजिए, किसी भी तरह उसकी संरचना बदल दीजिए, तो वह कंडीशन है आपका। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन दो ही ना कर सकते हैं जी, क्या दोष कर सकते हैं, या तो आपका क्या होगा, या तो बढ़ेगा और नहीं तो क्या होगा घटेगा। कंडीशन क्या होगा, या तो क्रोमोसोम बढ़ेगा और नहीं तो क्या होगा घटेगा। कंडीशन दो ही ना होगा जी, कि किसी के अंदर अगर हम संख्या बढ़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है जिसकी संख्या मान लीजिए कि 20 है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 20 है, 20 छोड़िए आप अपने ले लीजिए इसी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 46 है, आप 46 के अंदर क्रोमोसोम की संख्या है तो इसको बदलने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम क्या कर दे एक घटा दे 45 हो जाए, या एक बढ़ा दे तो 47 हो जाए। तो दो कंडीशन हम परिवर्तन कर सकते हैं, पहला केस। एक और तरह से चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं कि 46 है तो 46 में से एक घटाए हैं या एक बढ़ाए हैं। कंडीशन ये भी हो सकता है कि 46 में से दो जोड़ा में बढ़ाए, अच्छा दो जोड़ा में घटाए। तो कंडीशन आपका दो हो सकता है कि जोड़ा में बढ़ाए जोड़ा में घटाए, या फिर आपका एक बढ़ाए और एक घटाए, यानी बिना जोड़ा के घटाए। तो कंडीशन, इस कंडीशन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, घटने और बढ़ने के आधार पर से संख्याओं के परिवर्तन के आधार पे हम इसे दो भागों में बांटते हैं। कितने और भागों में बांटेंगे, दो भागों में, और उसको क्या कहते हैं, एक कहते हैं यूप्लॉयडी, इसको क्या बोलते हैं, उसको यूप्लॉयडी, यूप्लॉयडी, ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा को क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉयडी, अर्थात की संख्या को घटाइए अच्छा बढ़ाइए, ठीक है, यूप्लॉयडी या फिर एन्यूप्लॉयडी, ठीक है। मतलब क्या, एक को कहिए कि बढ़ाना, एप्लॉयडी को, एन्यूप्लॉयडी को कहिए कि घटाना। सीधे शब्दों में आप समझिए कि बढ़ाना और घटाने की क्रिया को हम लोग समझेंगे। तो म्यूटेशन का कंडीशन आप समझ गए
कि म्यूटेशन आपके क्या होंगे, दो तरह के होंगे। आपका परिवर्तन क्रोमोसोम में करके कीजिए, चाहे जीन में परिवर्तन करके कीजिए, फिर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन कीजिए, या फिर क्रोमोसोम की संरचना को ही बदल दीजिए, और नहीं तो क्या कर लीजिए, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन भी दो कंडीशन से होगा, यूप्लॉयडी या फिर एन्यूप्लॉयडी, दोनों कंडीशन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इन्हीं केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि दो बीमारी जो ज्यादातर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, आपका ऑब्जेक्टिव हो, नीट का एग्जाम हो, या किसी भी एग्जाम में जहां पे बायोलॉजी का क्वेश्चन आता हो, ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। देखिएगा आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा, पक्का फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा, टर्नर सिंड्रोम। और एक होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो इनके बारे में आपको जानना है आपको कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, और इन्हीं घटने और बढ़ने के आधार पर क्या होता है कि इनकी संख्या में परिवर्तन होता है, और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि इनको जान सकते हैं कि टर्नर कब होगा और डाउन कब होगा। जैसे बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, तो टर्नर सिंड्रोम, और जब इसके अंदर घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, तब डाउन सिंड्रोम। यानी कि जब संख्या इसकी जीन की घटेगी तो क्या हो जाएगा आपका, टर्नर सिंड्रोम। यानी कि और डाउन सिंड्रोम कब होगा, जब इनकी संख्या बढ़ेगी। अब इसके अंदर भी दो केसेस होंगे कि आपका 2n रूप में बढ़ेगा, या फिर एक एक के रूप में बढ़ेगा, या सिर्फ एक सिंगल के रूप में बढ़ेगा। ठीक है, अब उनके अंदर भी आपकी फिर समस्या होगी कि एडिनिन में बढ़ रहा है, ग्वानिन में बढ़ रहा है, साइटोसिन में बढ़ रहा है। तो ये सभी केसेस की चर्चा हम लोग को करनी बाकी है। तो ये म्यूटेशन के प्रकार या म्यूटेशन के तौर तरीके में हमने जाना। अब हम लोग कल जानेंगे इन बीमारियों के बारे में, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या फिर क्रोमोसोम के जो प्रकार है उनमें किस प्रकार से यह वर्क करता है, उनकी घटनाओं को हम अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपकी घटना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन उनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है यहां तक? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।